फाइनली हम लोग एक लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ से हमें अभी हम लोग क्रॉस करेंगे। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, वाह, ठीक है। और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे। ओ रुको रुको भाई, वेव आ रही है। हाँ काफ़ी ज़्यादा वेव आ रही है। पत्थर के बीच से जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। पत्थर के बीच में चलो, पानी आएगी तो रुक जाना वहीं पे। देखो रुक जाओ बाबू, रुको वेव आ रही है, रुक जाओ। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, फिर भी चप्पल चप्पल चप्पल। बहुत वेव आ रही यार, जल्दी आना, हाथ में निकले लोगे, क्या दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं चलो 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 चलो, रुक जाओ, जहाँ पे आ रही है तो रुक जाओ, क्योंकि दिख नहीं रहा ना, पत्थर है, स्लिपरी होगा, कहीं गिर जाओगे। बालू बालू जो है ना वहीं पैर रखना, हर दो मिनट में वेव आ रही यार, देखो जाने ही नहीं दे रही हमको। अब यहाँ पे हमें क्रॉस करना है आगे तक, चलिए चैलेंज एक्सेप्ट। आगे बहुत स्लिपरी पत्थर है, वहाँ पे जा नहीं सकते, बहुत ज्यादा वेव आ रहे हैं। ऊपर चढ़ जाए, ऊपर चढ़ जाओ। फाइनली हम लोगों ने इस पास से जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि पानी की वेव्स काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग यहाँ से ऊपर चलेंगे। मेरी घड़ी भी भींग गई इसके एडवेंचर की वजह से ना, लेकिन लग नहीं रहा था इतना वेव आ रहा है यार। इधर ज़्यादा आ रही है, उधर से देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे पत्थर जो है ना काफ़ी दूर दूर में है, इसलिए वो वेब्स को उधर नहीं रोक रही है। आ जाओ, तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से इस वाले पास में चलेंगे और त्रासी बीच पहुँचेंगे। ये हाईवे के सामने हम लोग आ गए, ये देखिए यहाँ से व्यू, टॉप व्यू, वाओ।
वाह, यहाँ से लुक देखिए। ये हाईवे और यहाँ पे बीच, और गाइस फाइनली हम लोग वॉकिंग करते करते त्रासी बीच पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली इसी में हम लोग वॉकवे करते हुए बीच में ही लगभग 2 किलोमीटर आपको चलने पड़ेंगे। मेरी वाइफ की वजह से मुझे चलना पड़ा, और फाइनली मुझे चलना इतना पसंद नहीं है। मैं ऑटो लेने वाला था लेकिन उसने बोला चलो बीच में इंजॉय करते हुए चलते हैं। तो फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं त्रासी बीच, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा चीज़ हमने कवर करके है। लगभग हमें वॉकिंग पड़ा है 20 मिनट्स के आसपास। वहाँ से आप चाहे तो हाईवे के बगल में ले सकते हैं, लेकिन जब आप कुंदापुरा रेलवे स्टेशन से आएंगे तो सबसे पहले त्रासी बीच पड़ेगी, फिर आपको ये मरवंते बीच पड़ेगा। तो हमने पहले मरवंते बीच जाना सही समझा, क्योंकि वहाँ से ये सामने था। ठीक है, आज समय दिखाता हूँ कि त्रासी बीच मरवंते बीच से किस तरह से डिफरेंस है, और वहाँ पर और कौन सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फाइनली हम लोग वॉकवे करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और बस ये हमें पार करना है, इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे त्रासी बीच। ठीक है, उसके बाद और एक वहाँ पे हमें क्रॉस करना है, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे त्रासी बीच। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। जैसे ही त्रासी बीच में आप आएंगे, थोड़ा सा खास बात आप देख सकते हैं, सामने कोकोनट के ट्रीज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये देखिए, आपको रोड के साइड साइड है, और प्लस जहाँ पर त्रासी बीच के लिए बैठने का जगह दिया हुआ है वहाँ भी आपको कोकोनट ट्रीज मिल जाएंगे। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सब सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं सामने जाकर। और दोनों में एक ही समुद्र है, और दोनों का सी वेव्स सेम ही है। ठीक है, बीच है ना, उसका भी समुद्र एक ही है। हाँ, NIT तो मोस्टली हम जैसे मुंबई भी जाते हैं तो वहाँ पे सी तो एक ही रहती है, बस बीचेस अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा कुछ लोकेशन देख के उनको बीचेस ओपन कर दिया जाता है। यहाँ भी देखेंगे तो वाटर फ्लो और सी वेव्स उसी के जैसा है जितना हमने बीच ओपन ही रहता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग उनका नाम हो जाता है। हाँ, यहाँ भी देखिए उसी तरह का है, चट्टान भी उसी तरह से हैं जो हमने दिखाया है मुरलीधर, चट्टान भी उसी तरह से है जो हमने दिखाया आपको मरवंते बीच में। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है। हाँ, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है क्या, देखते हैं। तो आप, इसलिए हमने मरवंते बीच पहले जाने का डिसीजन लिया था, क्योंकि जब वहाँ पर जाएंगे हम ऑलरेडी, हमारा जो है सुबह के 9 बज चुके थे, धूप काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम जब जाते हुए देखे तो त्रासी बीच में क्या है, आपको थोड़ी सी छांव मिल जाएगी, पेड़ लगे हैं तो थोड़ा आराम आपको मिल जाएगा। इसलिए हमने सोचा पहले मरवंते बीच में जाते हैं, थोड़ा वहाँ थकेंगे, फिर यहाँ आके रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आएँगे देखेंगे तो पूरा छांव आपको मिलेगा, आपको बैठने के लिए रोड साइड से दी गई है। तो ये लोकेशन आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, मज़ेदार फीलिंग देने वाला है आपको, क्योंकि काफ़ी मज़ा आएगा। और यहाँ भी आप देखेंगे तो पहली बार हमने देखा यहाँ पे मोटर बाइक। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी 200-300 चार्ज होंगे, कोई यूज़ तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ वेब्स की जितनी है ना उसके अकॉर्डिंग ये मोटर बाइक में काफ़ी मज़ा आने वाला है। हमारी अभी ट्रेन की टाइमिंग है, अदरवाइज़ हम यूज़ करते। इधर काफ़ी धूप थी, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। वह थोड़ा ऊपर जाएंगे और वहाँ आराम करेंगे। देखिए ये चीज़ है, अब ये लगता है कि वेव्स थोड़ी कम होगी, इन लोगों का आइडिया होगा, अब ये इसको स्लाइड करके ना ले जाएंगे बीच की तरफ और वहाँ पे रखेंगे, फिर जिनको जाना होगा मोटर बाइक करके जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने देर के बाद हमें छांव मिली है, यहाँ पे थोड़ा सा आराम।
हाँ सामने आपको बेंच टाइप से भी बना हुआ है। पता नहीं इस तरह की पेड़ वहाँ पे नहीं थे ना मरवंते में, ये दूसरी तरह की पेड़ है। हाँ एक मतलब इस तरह वाली पेड़ लग रही है हमको, इस तरह की पेड़ है ना, पर्पल वाली रहती है ना। हाँ हाँ शिमला वगैरह पे पेड़ रहती है ना। हाँ वैसे ही लग रही है, अच्छी लग रही है। इसमें लाइटिंग वाइटिंग डेकोरेशन कर रही है, बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो इधर देखो, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। ये अलग टाइप का पेड़ है। चलिए देखिए ये व्यू कितना अच्छा रहा है, वाओ। जैसा कि देख सकते हैं ये हाईवे गई है और इसके जस्ट बगल में ही आपको यहाँ पे मिलेगा वेलकम टू उत्तरासी बीच। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो थोड़ा देर तो मरवंते बीच आ जाएगा इस डायरेक्ट सीधे रोड से, और यहाँ पे सामने आपको उत्तरासी बीच है। तो आप पहले मरवंते बीच जा सकते हैं, फिर से उत्तरासी बीच आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाया है इसका, देखिएगा टॉप व्यू, तो टॉप व्यू काफ़ी मज़ेदार है। आप देखिए इधर लेफ्ट साइड ये आपका रिवर है और इधर बीच आपको है, और बीच में हाईवे गया है। तो ड्रोन व्यू इसका लेंगे तो काफ़ी मज़ेदार आएगा। इन फ्यूचर हमारे पास ड्रोन आता है तो मैं ट्राई करूँगा इसके लिए, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। और ये है यहाँ पे पार्किंग एरिया, काफ़ी बड़ा है और मस्त हवादार उत्तरासी बीच। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं, बैठेंगे फिर आपको और चीज़ें दिखाएंगे जो यहाँ पे हैं। ये देखिए ये लोकेशन की मैं बात कर रहा था, मतलब एक तरह से लग रहा है चैनल यूट्यूब चैनल हरी ट्रेवल ब्लॉग्स। यहाँ पे देखेंगे लगता है ये त्रासी है क्या, पूरा त्रासी। तो मैं ये इसी चीज़ की बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए एक तरह से लगता है जैसे कि नेचुरली इसको बना दिया गया है ना, उधर से एक पेड़ आई इधर से एक पेड़ आए और दोनों यहाँ पे मतलब मस्त ठंडी हवा चलने वाली है। वाह कहाँ पे सामने देखेंगे तो हॉर्स भी है, तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है। और ये है इसका मेन एंट्री पॉइंट उत्तरासी बीच का, हाईवे के जस्ट बगल में ही है। उत्तरासी बीच से मरवंते बीच 2.5 किलोमीटर्स के अराउंड। ये आपको आइसक्रीम का स्टॉल है ना, आइसक्रीम का है। और यहाँ पे पार्किंग प्लेस भी है, यदि आप आते हैं तो यहाँ पे अपना बाइक से भी पार्क कर सकते हैं। उत्तरासी बीच और इस बीच की यही खासियत है, वहाँ पे क्या है कि इस तरह के कोकोनट ट्रीज नहीं थे, यहाँ पे ट्रीज होने की वजह से हवाएं अच्छी चलती हैं। मरवंते बीच में हमें इतनी अच्छी हवा फील नहीं होती है ना, तो वहाँ पे चारों तरफ धूप ही धूप था। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे आए तो अब यहाँ पे पेड़ों से टकरा कर हवाएँ आ रही हैं, तो ठंडी हवा चल रही है थोड़ी, और यहाँ पे थोड़े थोड़े पेड़ हैं उसकी वजह से थोड़ा सा छांव मिल रहा है हमें। Oh, oh, oh.
तो मोटर बाइक को ले गया है, जाया गया है वो बीच में, ठीक है, क्योंकि अभी लहर ज़्यादा है तो उसके वजह से अभी यदि इस वेव्स में यदि आप मोटर बाइक को एंजॉय करना चाहते हैं ना तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो गाइस फाइनली अब हम लोग ऐसी जगह पर बैठ चुके हैं जहाँ पे हमें थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा यहाँ भी देखेंगे तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसलिए मैं बोला ना कि यहाँ पे इस बीचेज में आपको आना है, मरवंते बीच और त्रासी बीच में है। इवनिंग का टाइम, मॉर्निंग का टाइम आप आइए, सबसे पहले त्रासी बीच में रुकिए। इस पेड़ों की वजह से काफ़ी अच्छा फील होने वाला है, आप अपने सारे दुख दर्द सब भूल जाएंगे, सब इनको दे देंगे, ठीक है। वाओ, जुहू चौपाटी मुंबई में गई हो, इसी तरह हाँ। से ऊपर में बैठने के लिए होते हैं, फिर भी वो क्या होता है ना, रोड के किनारे होता है, और इसके बैठने के लिए है क्या? हाँ है, थोड़ा रोड के किनारे ऊपर ऊपर, और यहाँ पे देखेंगे तो हाईवे दूर है, उसे अंदर ये त्रासी बीच का एक तरह से पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है। और ये आगे आएंगे तो इस तरह से सबसे अच्छा मुझे यहाँ का वाटर लगता है ना, ये ग्रीनिश वाटर, ग्रीनिश है कि ब्लूइश है ना, ब्लूइश वाली, ब्लूइश ग्रीनिश दोनों मिक्स है, मस्त है। अभी आप हमारा बैकग्राउंड देखिएगा, थोड़ा डार्कनेस आ सकता है क्योंकि सन लाइट यहाँ पे आ नहीं रही है, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देखिए वाओ। हाथ धुल रहे हैं तो थोड़ी देर हाथ धुल करके। गाइस ये पीछे का देखिए, वाओ, बस ऐसे लग रहा सो जाए, अच्छा लग रहा ना कि हाथ। और गाइस यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाता हूँ, लाइक सराउंडिंग में आपको कोकोनट ट्रीज मिलेंगे। अब यहाँ से मैं आपको दौड़ता हूँ तो आपको ये चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देंगी। यस, आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी और आगे चल रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी मजा आएगा। काफ़ी देर से बैठे बैठे मैं थक गया हूँ, और शाम में, शाम तक हम रुकने वाले हैं यहाँ पे, आपको सनसेट भी यहाँ का दिखाने की कोशिश करेंगे यदि हमारा बैटरी रहा तो, क्योंकि हमारी बैटरी गोप्रो के भी हमारे कैमरे की बैटरी और मोबाइल की बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है। पेड़ ही है ये, जहाँ भी पेड़ है वहाँ के सामने देखिए कितनी छाया है, इसीलिए ये बीच थोड़ी आरामदायक है, कंफर्टेबल है। जितनी भी है पेड़ सब में देखिए उसी तरह के पत्ते लगे हैं, यहाँ से देखिए ये सारे बोट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अब फाइनली हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सनसेट होने का, सिर्फ इसलिए कि हम लोग इतने दूर से हैं तो मरवंते बीच और साथ ही साथ आपको त्रासी बीच दोनों का जो है ये है, क्योंकि यही एक बीच है, यही समुद्र जो दोनों में का कवर अप होती है, त्रासी बीच और मरवंते बीच, तो दोनों का हम लोग लाइक सनसेट दिखा पाएंगे। तो वेट करते हैं, अभी बज रहे हैं लाइक दोपहर के 1 बज चुके हैं, अभी भी 7 आवर्स है हमारे पास, हमारी ट्रेनें उसके बाद जाएंगे, लेकिन उसके बीच में लाइक 5-5 बजे तक में भी आ जाए, क्योंकि अभी देखिए सन यहाँ पे है टॉप में है,
तब तक इधर से आती है और आपको सनसेट दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। वाओ घूंघट की आड़ से